खर्चा क्या करूँ करके, एक तो बाल में ही खर्चा कर दिया ऊपर से और अपने रूम पे। फिर आना है, जाना है, जा। अच्छा, छोटे छोटे आम भी हो रखे यहाँ पे, बीच में तो कम कम थे, अब इतने सारे हो गए। ये कितने पे खोद रखे हैं हम लोगों ने, वो वहाँ पे दिख रहा होगा, वो जहाँ पे मैं लगा रही हूँ वहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे दिए माही। यहाँ को देख बब्बी, कितने में पड़ते। दो खेत बन रखे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये भैया लोग, इनकी ऐसी हालत हो रखी है, वैसे धूप में ना। अब हम लोग जा रहे हैं अपने ससुराल, मैं और काव्या और भाई जा रहे हैं ससुराल, काम है वहाँ से, थोड़ा सा कुछ सामान लाना है और देखना है, और काबू को भी दिखाना है वहाँ पंडित जी के पास। तो थोड़ा सा जिद बना कर रही है, कुछ ज़्यादा ही मतलब अजीब ही कर रही है, तो अभी अच्छे से ठीक नहीं हुई है, तो दिखा के भी लाती हूँ और ससुराल भी जाऊँगी। इसकी दादी दादी हो रखी है, तो दादी से भी मिल के आएँगे अपनी सासू माँ से। चलो हैं, चलो इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, तो क्या आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त। मैं रोशनी रावत स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोजदीप रावत में, एंड व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। तो मैं और काव्या जा रहे हैं अपने ससुराल। हाँ, कोई कमेंट भी कर रहा था कि आप अपने ससुराल नहीं जाते, वो नज़दीक ही है घर के, तो मैं दिखाती हूँ आप लोग वो। तो मेरा ससुराल कहाँ है, मानेसर साइड को है। तो किसी ने कमेंट किया था, तो जाते क्यों नहीं हो, जब काम पड़ता है तभी जाती हूँ, आज काव्या का हर्जा कर रखा है इस वजह से जा रही हूँ। चलो भाई आया है ये, आगे स्कूल से। लोहा घाट की मार्केट, यहाँ से होते हुए जाएंगे हम लोग अपने ससुराल को। मार्केट में हम लोग पहुँच चुके हैं, ये यहाँ से ले रही हूँ मैं फ्रूट। रास्ता यहाँ से जाता है, ये वहाँ लास्ट लास्ट बॉर्डर में है मेरा ससुराल, यहाँ से दिखता है चंपावत। पहले हम लोग जा रहे हैं हमारे यहाँ के पंडित जी, कलोनी जी के यहाँ। ये है यहाँ पे रहते वो लोग, ये उनका पूरा यहाँ पे है, ये इधर पे कहते हैं भरचाना कहते हैं, है गेट। अब इससे हम लोग यहाँ से पैदल चल के जाएंगे। काव्या और मैं जा रहे हैं, भाई नहीं आ रहे हैं, उसने आज दांत तोड़वा रखे है ना, तो मतलब कहाँ हॉस्पिटल वहाँ गया था, मायावती गया था, तो दांत तोड़वा के ला रखे है। उसके दांत में काफ़ी दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, का कह रही हूँ मैं, काफ़ी दर्द हो रहा है, तो इस वजह से वो बोल भी नहीं रहे। तो मैं आऊँगी आऊँगी करके कब से नहीं आ पाई, तो भाई अचानक ही मतलब वो वहाँ गया था, तो वहाँ से सीधे मेरे घर आया, ऐसे ही आया, मैंने कहा चल वहाँ चलते हैं करके, तो आ गए यहाँ को। और यहाँ दिखाऊँ आपको, लोटस दिखाती हूँ, कमल इतने बहुत सारे, बीच में तो कम कम थे, अब इतने सारे हो गए। ये कितने अच्छे लग रहे हैं। ये है श्री राधा कृष्णा मंदिर, यहाँ पे इन्हीं का है ये। चलो यहाँ से रास्ता है, और यहाँ आम भी होते हैं, ये आम का पेड़ है, मतलब थोड़ा बहुत हल्का गर्म होता है यहाँ पे, तो इस वजह से आम हम होते हैं यहाँ पे, आम वो पपीते वो अमरूद, ये शिमला मिर्च की खेती, और वहाँ साइड को चंपावत है। चलो बस, काव्या यहाँ फर्स्ट बार आ रही है, बचपन में आई थी एक बार। तो ये छोटे छोटे आम भी हो रखे हैं यहाँ पे, वो देखो वो, चलो आ जाओ, ये है यहाँ रहते हैं। घर पे हम लोग पहुँच गए हैं नीचे। क्या खाओगे, मैंगो कच्चे हैं वो भी, वो छोटे छोटे से हैं और बड़े बड़े अच्छे हैं। ये आमा है,
छाया में बैठ रखी है। हाँ ठीक हो, जस्ट वहाँ पे खोद रखा है हम लोगों ने, वो वहाँ पे दिख रहा होगा वो जहाँ पे मैं लगा रही हूँ वहाँ पे, तो मुझे वहाँ पे ज़मीन भी वो भी देखनी है, तो इस वजह से आ भी रखी हूँ, यहाँ भी आई थी और वहाँ भी देखना है मैंने कि कहाँ से क्या कर रहे हैं करके, काम करने वाले लगे हैं ना। आ जाओ अभी, आ जाओ फिर। हाँ वो ही तोड़ रखे हैं, छोटा छोटा आम बोल रही है, ये बड़ा वाला दे तो दिया, ये भी कच्चा आम है। आम दे दी कैसे लगा रखी थी इसने। मैंने कहा वहाँ पे भी यहाँ का जैसा मौसम है ना, तो मैंने कहा ये जो आम के पेड़ है ना मैं आपके यहाँ से ले जाऊँगी वहाँ लगाने के लिए। पता नहीं मुझे इतनी शौक टाइप की है ना बहुत ज़्यादा, पेड़ पौधे ऐसे टाइप से ना। चला जा, फ्यूचर में वहाँ पे होगा तो मैं ऐसे ही, अभी तो नहीं बहुत टाइम लगने वाला है, अभी हम लोग अभी खेत बना रहे हैं, उसको जो खोद रखा है जो, तो उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं किनारे किनारे से, मकान बनने में तो बहुत टाइम लगेगा। चलो फिर चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं हम लोगों ने कहाँ पे खोद रखी है, कहाँ पे है ज़मीन, खुद की ज़मीन है मतलब खरीदी नहीं है, हमारी ही है। तो चलो चलते हैं ससुराल की तरफ अपने घर में, क्या हो रहा है कैसा हो रहा है करके, तो मेरा मन नहीं मान रहा था, मैं देखने के लिए आ गई, है तो खुद का अपना है ना यार, दिख तो नहीं रहे हैं, कहाँ नीचे से लगे पड़े हैं दीप, देख सकते हो ये देखो, ये यहाँ पे हमारा आसियाना बनेगा इधर पे, वहाँ से सीधे यहाँ से ये है, और पूरा नज़ारा वहाँ से देखो कितना अच्छा दिख रहा है, मुझे तो यहीं पे पसंद आया है बहुत ज़्यादा, यहाँ से पूरा वहाँ देखो कितना सुंदर है, और बिल्कुल अकेला भी अच्छा है, मतलब दूर में है, गांव में भी नहीं है, अलग से ही साइड में ही है इधर साइड को पूरा से ये। तो वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो एक ही खेत बनाया है, एक खेत वो नीचे का बन रखा है वो वाला, और दूसरा खेत ये वाला बन रखा है, नीचे ही जाके देख के आती हूँ मैं। रास्ता कहाँ से बनाया है, यहाँ से रास्ता बना रखा है ये खेत बनाने के लिए, और ये बना रखा है इधर पे इन लोगों ने नाली, जो कि आजकल पता नहीं चल रहा है बारिश कब आ जा रही है ना, बारिश आ रही है सीधे, जो कि यहाँ से सीधे पानी जाएगा नीचे कोई ये, अब और खेत देख के आती हूँ नीचे, ये बन रहे हैं खेत, फर्स्ट वाला खेत ये है जो नीचे से ये वाली दीवार देखी, और ये वाला फर्स्ट खेत, अभी दूसरा खेत, चार पांच दिन हो गए, पांच दिन में दो खेत बने हैं, ये अभी बहुत टाइम लगने वाला है वहाँ तक का बनेगा खेत, वहाँ से वहाँ तक का फिर, और वो रहा रोड, रोड के जस्ट नीचे इधर ही पे, कितने अच्छा लग रहा है मुझे तो। अभी वो लोग खाना खाने के लिए गए हैं, ऊपर गैरेज में नहीं रहे, मैं सोच रही थी गैरेज में रहे होंगे, तो वो लोग नीचे रहे हैं, एक बुबू रहते थे वहाँ, तो वो लोग अपने गांव को चले गए हैं, तो वो परमानेंट के लिए छोड़ दिया है वहाँ, तो इस वजह से लेबर लोग वहाँ रह रहे हैं, और हमारे गांव के लच्छू का है एक काकू हैं, तो वो संभाल रहे हैं यहाँ का सब कुछ, वो भी करते हैं इनके साथ काम, तो उनसे मिल के आती हूँ मैं, अभी बात हुई तो वो बोल रहे हैं मैं ऊपर अभी खाना खाने के लिए गया हूँ करके, उनको भी ले गया हूँ, तो तू वहीं आ जा मिलने के लिए, तो मैं जा रही हूँ उनसे बात करने के लिए अभी, तो चलो चलते हैं फिर, वहीं से चलते हैं घर को, मुझे कुछ सामान लाना है वहाँ से, मतलब काव्या के कपड़े यही हैं जो शादी के लिए मैंने इतना खर्चा क्या करूँ करके, एक तो बाल में ही खर्चा कर दिया ऊपर से, और ऊपर से वो शादी नज़दीक आ रही है, 20 तारीख को है शादी, तो मैंने कहा शॉपिंग क्या करूँ, तो कपड़े मैंने यहाँ रखे हैं तो मैं उनको ही ले जाती हूँ, काव्या के लिए हो जाएंगे, सिवी के लिए ख़रीद लिया है मैंने, काव्या के लिए भी खरीदे हैं, हल्के फुल्के खरीद रखे हैं। तो माही दीदी, माही स्कूल से आ रही है, और देखो ये इसको देख के तो कितना खुश होती है, माही यहाँ को देख बब्बी, कितने में पढ़ते हो आप, फर्स्ट में, अच्छा चलो फिर चलो मैं अपने घर ले जाऊंगी बोल रही है काबू को, धूप लग रही है भयंकर चटक वाली, अबे पहुंच चुके हैं ये अपने रूम पे, चलो आज अंदर मुझे आते ही मिल गए, खेतों में काम कर रहे हैं ये तो इतनी मेहनत करते हैं ना, मेहनत का फल मिलता है कि नहीं आपको
तुमको मेहनत तो फल मिल सके ना। ये वहाँ भी लगा रखी है, यहाँ भी। ये इतने की करना अब। अच्छा फिर यूँ हम जा लियो इतने जाल वाल लियो ना, नहीं मैं फिर लटकी ना। बाय कह दे। फिर आना है, जाना है। अच्छा बाय ताई जी। मैं और मामू आगे को चले गए, तो मैं पैदल जा रही हूँ, अभी नीचे को जा रही हूँ, इनके पास देख के आते हैं, मिल के आते हैं। फाइनली अभी तो मैं नीचे ही आ गई हूँ, रोड के नीचे ही। पहले मैंने ऊपर से देखा, अभी नीचे ही आ गई हूँ। ये पक्की दीवार दे रखी है ये पत्थर से, और नीचे भी ये यहाँ से दो खेत बन रखे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये भैया लोग कर रहे हैं, ये तो काकू हैं, और ये भी भैया लोग आ रखे हैं काम करने के लिए। तो चलो फिर आप लोगों से घर जाके मिलते हैं, मैं यही देखने के लिए आई थी, तो चलते हैं। हाय, काफ़ी टाइम हो गया है, भाई भूति रखा है ऊपर रोड में, इंतज़ार कर रहा है इधर पे। नीचे गई थी, उसके एक तो दांत दर्द से परेशान हो रखा है, ऊपर से मैंने परेशान कर दिया उसको, थक गई मैं। मैंने कहा गारंटी लेते हो नहीं गिरेगा करके, तो कह रहे इंसान की गारंटी नहीं होती है। बस अब ये तो खेत है, इनकी क्या गारंटी ले, है ना। ऐसा ही तो हुआ। तो फिर चलते हैं, मुझे जल्दी भी जाना है वहाँ, जाके फिर रोटी डालने जाना है। एक का बाबू हो रखा है, सोनिया भाभी का फ़ोन आया था अभी, तो रोटी डालने जाना है आज 6 दिन में करके। तो फिर चलो चलते हैं, आप लोगों से वहीं मिलते हैं। मैं अपने ससुराल से आ गई थी घर में, तो अभी जा रही हूँ मैं यहाँ को रोटी डालने के लिए, तो बच्चों को छोड़ के आई हूँ। हाँ कहाँ से, किसका? अरे हैप्पी बर्थडे, तुमने देखा देना, मतलब मेरी तरफ से कह देना। कहाँ से आ रहे हो? देखा तूने मेरे को? हम दोनों आ रखे हैं, लघु को सुला के, ये तो सुला के आई हैं, और मैं तो ऐसे ही भुलिया भुलिया के आ रखी हूँ। पहुँच गए हम लोग यहाँ रूम पे, चलते हैं अंदर। कहाँ है? चलो चलो, कहाँ पे है बाबू? ओए जीते रहना बब्बी। हाँ ले ले, नाम सोच रहे होंगे ना अभी। नाम सोच रहे होंगे ना आप? छोड़ देना, क्या है, एक मेरा फ्रेंड की एक बात है। ये है फ्रूटी का, फ्रूटी है पता नहीं क्या है ये। हाँ, कभी यहाँ रख रहे हैं, कभी यहाँ रख रहे हैं, कभी यहाँ रख रहे हैं। इसमें ऐसा क्या है जो ये दरवाजे दरवाजे में रख रहे हैं इसको? नहीं खाएंगे ये फ्रूटी। चलो अब हम लोग आगे वहाँ से घर को चल रहे हैं, घर को। बच्चों ने क्या कर रखे हैं, अंदर घुस के देखना पड़ेगा क्या। अब यहाँ से रास्ते से हम लोग जा रहे थे, गुड़िया भाभी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा, कल चक्कर आ गए थे उनको, तो हम लोग यहाँ जा रहे हैं देखने के लिए। चलो बब्बी, ये बाबू है। बब्बी क्या नाम है फिर आपका? अवंतिका है। अवंतिका, अवंतिका काव्या को बहुत अच्छा मानती। सुनो सुनो, क्या बताऊं? हाँ। जब ना मैं किसी के वहाँ गई थी ना, पिट्टू चाचा के वहाँ, उसके कान में की ये तो मैं पूरी की घर गई होगी, ऐसे बोली थी, पूरी की घर हुई थी। चलो चलो, पूरी की घर हुई थी ना। और इनकी ऐसी हालत हो रखी है, वैसे धूप में ना, धूप की वजह से वहाँ में चक्कर आया था ना, सनी मंदिर के आसपास, उनको पता ही नहीं चला। ठीक हो जाओगे, मुझे कैसा हो गया तुम, टेंशन मत लो। ऐसे जब बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। ये देखो, ये मेरा बबले, ये दोनों बहनें खेल कर रही हैं। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी। ये यहाँ से मैंने बंद कर रखा है अंदर से, अब मैं जाऊंगी यहाँ से। कम से कम बहुत टाइम हो गया, 2:03:20 पे गई थी मैं, और अभी बज रखा है, अभी बज गया 4:30 बज गया है। पहुंच गई मैं चिज्जी लाई हूँ इसमें। हाँ चिज्जी लाई हूँ। क्या कर रहे थे बब्बा? खेलू कर रहे थे दोनों बहने। क्या वाला खेलू कर रहे थे बताओ? दीदी को भी तो दोनों मिलवाट के खाते हैं ना। आजा, आपको अलग से। बाय गॉड,
सब कुछ अलग अलग ही चाहिए इन बच्चों को, तो वहाँ जाना भी तो जरूरी हुआ ना, तो इस वजह से फिर एक को ऊपर छोड़ती दोनों को छोड़ती तो दोनों शैतानी करते ना ऊपर, तो इस वजह से हम यहाँ दोनों रहे अंदर रूम में। आदत बना रही हूँ धीरे धीरे, मतलब फिर ऐसा हुआ ना अकेले मैं क्या क्या करूँगी, मैं कहाँ क्या क्या करना पड़ता है, कभी मार्केट जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कुछ लाना पड़ता है, तो इस वजह से धीरे धीरे करके इनकी आदत बना रही हूँ, मैंने बना भी रखी है तो रह जाते हैं थोड़ी थोड़ी, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर रहते हैं, तो आज तो रहे दो तीन दिन देख लिया है मैंने रह रहे हैं, ऐसे ही ऐसे ही थोड़ा सा आदत बनाऊंगी तो रह जाएंगे, है ना बब्बी, खेल लूँ करके। अगर दोनों खेलने में आ गए ना फिर तो मम्मी कुछ चाहिए ही नहीं इन दोनों को, कितने अच्छे से खेलते हैं, और शैतानी करने में आ गए तो एक दोनों को एक दूसरे को बहुत मारते हैं। चलो फिर मैं आज का व्लॉग इतना ही रखती हूँ, आप लोगों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।